हाय लर्नर्स, दिस इज अलीशा महाजन एंड आप देख रहे हैं फैलेसी का पार्ट नंबर 3। सो इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी, कुछ एमसीक्यूज शेयर करूंगी सो दैट पेपर में अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको फटाफट से ये प्रोवाइड करती हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखें बहुत मजेदार होते हैं ये फैलसीज, अब आपको भी हंसी आएगी इनके एग्जाम्पल सुन के। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टुडे यू आर 5 मिनट्स लेट, टुमारो यू विल बी 1 आवर लेट एंड देन यू विल नॉट कम इज द एग्जाम्पल। हो आज तुम 5 मिनट लेट हो, कल तुम 10 मिनट लेट होगे और परसों तुम आओगे नहीं, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल गाइस किसकी होती है, स्लिपरी स्लोप की। किसकी होती है, याद रख ले, स्लिपरी स्लोप की। स्लिपरी स्लोप बोले तो जब हम क्या करते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। राई का पहाड़ ही हुआ ना, आज को इंसान समझो 2 मिनट लेट हो गया तो बॉस उसे सुना रहा है कल तुम 10 मिनट लेट आओगे और परसों तुम आओगे नहीं। इट मीन्स राई का, छोटी सी चीज का बहुत बड़ा बना देना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। सो ये होती है हमारी स्लिपरी स्लोप। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन टू से नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज डूइंग करप्शन, व्हाट्स रॉन्ग इफ आई विल डू टू। अगर एक जाना गलत है तो दूसरा जाना भी गलत हो जाए। इट्स लाइक हम एक इडियम भी है, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक राइट। दो गलत आदमी सही नहीं हो सकते या दो गलतियां सही नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम जैसे कहें कि बाकी भी तो रिश्वत लेते हैं, मैं रिश्वत ले लूंगा तो क्या चलेगा। सो ये गलत हो जाता है। इस वाली फैलसी को बोलते हैं टू रॉन्ग। जब हम अपने आप को इसलिए सही बोलते हैं क्योंकि बाकी भी तो गलत कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम भी सही है, आई मीन टू से हम भी वैसे ही काम करेंगे। तो इस तरीके की फैलसी को हम क्या बोलते हैं, टू रॉन्ग्स। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं। सोल इज इमॉर्टल, जो आत्मा होती है वो मरती नहीं है। Since it lives forever, it never dies. अब देखो ये क्या बात हुई, इसका मतलब ये होता है जब हम एक ही बात को ना अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, जैसे soul is immortal का भी मतलब यही होता है कि वो हमेशा जिंदा रहती है, कभी मरती नहीं है। तो it means one line and उसको 3 types में बोला गया है। इसका मतलब भी सेम है। जब हम एक ही चीज को बार बार घुमाते जाते हैं सर्कल में, उसे बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, या फिर उसका दूसरा नाम है आर्ग्यू करना इन अ सर्कल। सो यू कैन राइट इट डाउन दिस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पहला प्रीमाइस है, यू डिडंट प्रूव दैट यू आर नॉट गे। कंक्लूजन ये निकला कोई आप गे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रेट पर्सन हो, आपको कोई बोल रहा है प्रूव करो कि तुम गे नहीं हो, तो वो कैसे प्रूव करे, या अगर समझो नहीं कर पाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि आप गे हो। इट मीन्स एग्जाम्पल समझे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, तो कहते प्रूव करो आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे प्रूव करूँ। सोच लीजिए कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला पास्ट में। सो इट मीन्स ऐसी जो प्रीमाइजेस और कंक्लूजन होते हैं ना, जैसे लाइक अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो आप ये हुए, इट्स लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस। क्योंकि हमें किसी चीज के बारे में हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, हम अच्छे से बयान नहीं कर पाए हैं, इससे वो ये समझते हैं कि ये है अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल ट्रीज हैव बार्क, सभी पेड़ों की क्या होती है, टहनिया होती है। मेरी ड्रॉइंग बहुत बेकार है सो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। ऑल डॉग्स बार्क, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सारे के सारे कुत्ते जो है वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। इस वजह से सारे के सारे कुत्ते जो है वो क्या हो गए, सारे के सारे जो ट्रीज है वो डॉग्स हो गए, ये गलत हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर वर्ड्स का खेल हो। आज ही समझा हमने वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन था आज ही हमने करा, उसको हम बोलते हैं इक्विवोकेशन।
क्योंकि बार्क का मतलब यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग था, एक बार्क का मतलब था टहनी, दूसरे बाग का मतलब था भोंगना, सो दोनों अलग अलग हैं। जब इस तरीके का हो केस तो उसे हम बोलते हैं इक्वी वोकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। अब ये देखिए क्वेश्चन, राम, हे दिस इज नॉट द राइट वे टू कुक राइस। राम बोलता है ये ना सही राइस सही तरीका नहीं है राइस को कुक करने का। श्याम बोलता है शट अप, यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट एंड अगली गाय एंड यू डोंट नो एनीथिंग। अब मुझे बताओ, किसी को चावल बनाने नहीं आते तो क्या उसका रीजन ये है, उसका रीजन हम ये बोलेंगे कि तुम ना इडियट हो और अच्छे भी नहीं दिखते हो, अगली हो, इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें राइस भी बनाने नहीं आते हैं। सो गाइस, जब इस तरीके की बात हुई कि हम बात कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका आंसर हम किसी को गाली गलौज देकर या इस तरीके से फालतू बातें करके इडियट हो अगली हो ऐसे बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एड होमिनम, एड होमिनम। ठीक है, रिविजन हो रही है एक तरीके से आपकी। सो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर वन आंसर। नेक्स्ट देखो, सन सन क्या बोलता है, डैड आई वॉन्ट अ न्यू बाइक, मेरे को ना अपने बर्थडे पे ना नई बाइक चाहिए। डैड क्या बोलते हैं, प्लीज मसाज माई हेड, मेरे ना सर पे बहुत दुख रहा है तो मेरे ना तुम मसाज कर दो। जब हम मतलब बात कोई और हो रही है, हम कोई और ही टॉपिक निकाल लेते हैं, कोई और ही टॉपिक निकाल लेते हैं जो उससे रिलेट ही नहीं करता, उसे बोलते हैं रेड हेयरिंग, रेड हेयरिंग, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, मांगी बाइक, पिताश्री ने टॉपिक ही चेंज कर दिया जी, रेड हेयरिंग हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब आपको देखना है इसमें ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं वैलिड आर्ग्यूमेंट है। सो इसके लिए अगर आपने मूड्स एंड फिगर्स किया होगा तो आपको पता होगा। सो मूड्स एंड फिगर्स का क्या रूल होता है, एक तो अगर कंक्लूजन में नो हो तो आपका उसके साथ वाला वर्ड दैट इज डॉग, दूसरा कैट जो है वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। क्या डिस्ट्रीब्यूट है, डॉग भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, कैट भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये रूल तो वैलिड हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, मूड को देखते हैं, कौन सा मूड बना, मूड कहाँ से चेक करते हैं, ऑल नन सम सम नॉट ए ई आई ओ, कौन सा मूड हुआ, ऑल का क्या होता है ए, सो पहले का हो गया ए, नो का क्या होता है ई, ये हो गया ई, दूसरे का क्या है एन, ये भी क्या हो गया ई। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखना है इसका, ये तो हमारा मूड हो गया। अब कौन से फिगर में आते हैं, फिगर हम कैसे देखते हैं, फिगर हम देखते हैं यहाँ पर जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड देखे इन दोनों में क्या है, अब कैट कैट। अब देखो क्या इस तरीके से आना था, जो ए डबल ई है क्या हमारी इस फिगर, हमारी फिगर नंबर वन में आती है ए डबल ई, ठीक है, सो नहीं ऐसा है, इट मीन्स इट इज इनवैलिड मूड। ये तो फिगर नंबर वन बन रहा है लेकिन ए डबल ई तो हमारा इसमें आता ही नहीं है। अगर आपने मूड्स एंड फिगर्स की नहीं देखी है तो उसको प्लीज देख लेना इसके बाद। सो इसी तरीके से वैलिड इनवैलिड को अभी हम फैलेसी कर रहे हैं तो इसको छोड़ ही देते हैं, ये मैं आपको फिर किसी दिन इसकी रिवीजन करवाऊंगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड अगर अभी आपने पहले मूड्स एंड फिगर्स नहीं समझा, पहले उसको समझे फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।